अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दिस इज अमीर पापकुन वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू लिंक अल्लाह क्लास फाइवर बैच फाइव। सो दोस्तों, आज का लेक्चर जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें सीखते हुए जा रहे हैं, और अब हम जो है हमने पहले टूल्स पढ़ लिए थे, फिर हमने उसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक था कलर्स को हमने देखा था। उसके बाद कल हमने फॉन्ट्स के ऊपर क्लास ली थी और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चले जा रहे हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैनवा का। जिस बंदे को इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप हो जाएगी वो बंदा जो है उतना अच्छा और कामयाब डिजाइनर बनेगा। मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट की, ठीक है। कैनवा के अंदर एक एलिमेंट का ऑप्शन है, वही खजाना है इसका, ठीक है। वो समंदर है, वही सब कुछ है, सारी चीजें वहीं से प्रोड्यूस होती हैं। जिसको एलिमेंट के ऊपर जितनी ज्यादा रिसर्च होगी वो बंदा जो है उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स इस तरह के आपने देखा होगा, यहाँ पे ऑप्शन होता है जहाँ पे लैपटॉप में ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और मोबाइल में भी एलिमेंट्स का ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है। तो एलिमेंट जो है वो इसका मतलब क्या, मैं सिंपली आपको बता दूं, जिन को मिलाकर हम डिजाइन बनाते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, वो अनासिर कहलाते हैं, वो जुज कहलाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जिनको हम मिला के डिजाइन बनाए उनको जो है वो एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट इज द बैकबोन ऑफ कैनवा। एलिमेंट जो है कैनवा की बैकबोन है। इसके अंदर से सारी चीजें, आपका डिजाइन जितना खूबसूरत आप बनाना चाहते हैं, जितनी आपको कैनवा की कीवर्ड रिसर्च आती होगी, कैनवा के अंदर सर्च करना होता होगा, एलिमेंट के अंदर आप उतना प्रोफेशनल डिजाइन अपना बना, ठीक है। इंटरनेट जो है वो गेम ऑफ कीवर्ड, ठीक है। सारी गेम कीवर्ड की है, और कैनवा जो है, कैनवा के अंदर आपने जो डिजाइन बनाने हैं वो भी सारे गेम ऑफ कीवर्ड है। आपको जितनी अच्छी सर्च करनी आती होगी कैनवा के अंदर, एलिमेंट के अंदर, आपका डिजाइन उतना खूबसूरत, उतना बेहतरीन और उतना प्यारा बनता है। मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट क्या है, जिन छोटे छोटे एलिमेंट को, जिन अनासर को, जिन जुज को, जिन पार्ट्स को मिला के हम डिजाइन बनाते हैं उसे एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन है, मोबाइल में भी एलिमेंट का ऑप्शन मौजूद होगा। आज के बाद आपका जो है ना पाला इसी के साथ पढ़ता रहेगा। तो आपको जितनी ग्रिप होगी एलिमेंट के ऊपर आप जो है उतने अच्छे डिजाइनर जो है वो बनते हुए चले जाए। वो इसलिए मांगता है क्योंकि फिर वो कैनवा प्रो के लिए दरकार होता है, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। मैं आज एक लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप जो है ना उसके साथ कैनवा प्रो बना लेंगे और वो जो पाबंदी है वो हट जाएगी, ठीक है। तो ये कैनवा का एलिमेंट है, ठीक है। ये इसका सर्च बार है, सर्च एनीथिंग फ्रॉम कैनवा। जो चीज आप इसके अंदर ढूंढेंगे आपको मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने इसके अंदर रिसर्च करनी कैसे, मैं आपको थोड़ी सी सर्च करना सिखा देता हूं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। अब मिसाल के तौर पे हम जो हैं कोई हॉस्पिटल का डिजाइन बनाना चाहते हैं, कोई मेडिकल के रिलेटेड जो है ना वो डिजाइन बनाना चाह रहे हैं। अपना कैम जो है ना वो ऑफ कर दीजिए, स्पेशली हमारी बहनें जो है
फॉर दैट हम इधर लिख देते हैं जी मेडिकल, ये हमने यहाँ पे लिखा और मेडिकल से मुतालिक हमें यहाँ पे रिजल्ट शो, आप ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर हमें ढेर सारे जो है ना वो बैकग्राउंड्स भी वगैरह भी मिल जाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे हमें मेडिकल से मुतालिक जो है ना वो रिजल्ट मिलना शुरू हो गए, ठीक है, कहीं मैदा नजर आ रहा है, कहीं नर्सेस नजर आ रही हैं, कहीं अच्छा स्पोर दैट अगर आपने मेडिकल सर्च किया और आपको मतलूबा रिजल्ट नहीं मिला, आपको मेडिकल के अंदर एक मेडिसिन चाहिए थी, कोई इस तरह की कोई चीज चाहिए थी जो आपको नहीं मिली, ये किसके हद पे, एक तो इसकी मुझसे थोड़ी सी सेटिंग जो है ना वो डिस्टर्ब हुई पड़ी, ये तहसीन रजा के पास कोई इसका ना एनिमेशन का वो, मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूँ, चले आज गुजारा करते हैं, फिर जो है ना अच्छा ये मेडिकल से मुतालिक मैंने बताया था कि आपको जो है ना हमें एक रिजल्ट चाहिए था वो उसके अंदर नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके जो मुतबादिल कीवर्ड है उससे रेलिवेंट जो कीवर्ड है ना वो यहाँ पे डाल देंगे। अब बहुत यार हमें एक एलिमेंट चाहिए था जो हमें मेडिकल में चाहिए था, मेडिकल से मुतालिक हमें नहीं मिला, तो हम यहाँ पे कर देंगे जी हेल्थ। अब ये हेल्थ जैसे करेंगे तो अब नीश हमारी वही है, हेल्थ से या मेडिकल से मुतल्लिक ही हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन कीवर्ड चेंज हो गया, कीवर्ड चेंज होने से रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, जो चीज हमें मतलूबा दरकार है फॉर दैट ये हमें बैकग्राउंड चाहिए। अब ये देखें ये ब्लू बैकग्राउंड मैंने बताया था मेडिकल के लिए होता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमें, मैंने ये बैकग्राउंड यहाँ से उठा लिया, यहाँ से कोई भी चीज मैं यूज करना चाहता हूँ। अब ये हार्ट जो है ये इस तरह का ये एक सिंबल होता है मेडिकल से मुतालिक, ठीक है, आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ आप करना चाहते हैं। अच्छा इसके अंदर आपको ग्राफिक्स चाहिए हेल्थ से मुतालिक, तो छोटे छोटे से ग्राफिक्स सॉरी डिस्कनेक्ट हो गए थे हम, मैंने बताया ना कि लाइट नहीं है और जब लाइट नहीं होती तो जनरेटर हर चीज जो है ना वो बंद होती है हमारे, अब जो कंपनीज हैं वो इस चीज का कोई ख्याल नहीं करती, ठीक है। अब बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है सबको अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि अगर हमें जो है ना वो ग्राफिक्स चाहिए तो हम ग्राफिक्स पे कर देंगे, इस तरह के छोटे छोटे आइकॉन जो है हमें मिलना शुरू हो जाएंगे, ये देख रहे हैं आप बहुत खूबसूरत से, जैसे ये जो है ना यूज होता है अमूमन, ये देखे सनी प्लस है, ये वो जो दिल की धड़कन बनी हुई, जैसे ये सिंबल है ये यूज होता है, हम इसका कलर भी जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, अमूमन ये रेड होता है। अब देखें ये हेल्थ है, हमें हेल्थ के अंदर भी वो चीज नहीं मिली, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम हेल्थ से रेलिवेंट मेडिकल से रेलिवेंट एक और कीवर्ड इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्या ऐड करना चाहिए कोई कमेंट में बताएं कि इसका रेलिवेंट कीवर्ड क्या बनता है, मेडिकल का मैंने हेल्थ बताया था सर, फार्मेसी भी हो सकता है, हाँ उसके अंदर चैट में बताया मुझे, चैट में सही है, मेडिसिन बिल्कुल हो जाएगा, डॉक्टर बिल्कुल हो जाएगा जी, फिटनेस कह रहे हैं, फिटनेस को हम चेक कर लेते हैं जी,
ठीक हो गया, बिल्कुल फिटनेस भी उसके रेलिवेंट आता है। हॉस्पिटल तो यकीनन पेशेंट हेल्थ और क्योर क्योर को हम कर लेते हैं राइट। क्योर किसने कहा है? सनार सलान ने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है जी। सिकनेस ये चीज, मैं जो चीज आपको समझाना जा रहा था वो आपको अच्छे तरह से आ गया है। ट्रीटमेंट्स हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, क्लिनिक हो गया, बिल्कुल। लेकिन वो फिटनेस में भी वो से रेलिवेंट जो है ना वो आ रहा था। मेडिसिन बिल्कुल, क्लिनिक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो सपोज एड आपको एक रिजल्ट चाहिए है, आपको एक एलिमेंट चाहिए है जो उसके अंदर नहीं मिला किसी चीज के अंदर। जैसे ये वायरस की यहाँ पे वो थोड़ी सी वो बनी हुई है, उसके अंदर हमें वो इलनेस भी बता रहा है, सिक पर्सन भी बता रहा है, डिजीज भी बता रहा है, फीवर भी हमें वो खुद से भी सजेस्ट करती। मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप एक कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं मिलता, ठीक है, आपको एग्जैक्ट मतलूबा जो रिजल्ट है वो नहीं मिलता, तो आपने कीवर्ड चेंज कर देना, उसके रेलिवेंट कीवर्ड उसके अंदर ऐड करेंगे तो आपको जो है उसके अंदर मिल जाएगा। अब सिकनेस ही, अगर हमें फोटो चाहिए कोई, ठीक है, अब ये देखिए हमें सिकनेस से मुतालिक फोटोज मिल गए, यहाँ पे हम मेडिसिन कर दें अगर, या हॉस्पिटल कर दें, हमें कोई हॉस्पिटल से मुतालिक पोस्ट बनानी है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और फोटोज के अंदर आ जाएंगे तो बेहतरीन हमें ये बैकग्राउंड्स मिल रहे हैं। आप इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट कर ले, ये देखें ये खूबसूरत हमें बैकग्राउंड मिल गया। इसकी हम चाहें तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम कर दें थोड़ी सी, अब पीछे हॉस्पिटल नजर आए, इसके ऊपर हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, जो चीज हम राइट करना चाहते हैं, हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, अगर ये फोटो ऐड कर दें। अब बैकग्राउंड हम इस तरह से लगा सकते हैं, याद पड़ता है मैंने आपको कल, हमने वो कलर्स के ऊपर बात की थी, लेकिन हम तो एग्जैक्ट जो है ना वो उठाते थे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हॉस्पिटल के लिए ब्लू बैकग्राउंड होता है तो हम यहाँ से ब्लू बैकग्राउंड अगर लिखेंगे तो यहाँ पे सैकड़ों ब्लू बैकग्राउंड आ जाएंगे, ठीक है, जैसे ये आ गया। आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हमने उधर से कम की हुई है, तो आप एलिमेंट, अब वो ब्लू बैकग्राउंड में और इस बैकग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे ये हम यहाँ से अगर चूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हॉस्पिटल है, ये फोटोज के अंदर आएंगे तो बेशुमार आपको इसके अंदर हॉस्पिटल्स के जो है ना वो फोटोज वगैरह मिल जाएंगे। आपको हॉस्पिटल का चाहिए, आपको किसी मंडी का चाहिए, आपको बाजार का बैकग्राउंड चाहिए, आपको स्कूल का बैकग्राउंड चाहिए, तो आप उस चीज का नाम यहाँ पे आके लिखिए। अगर मैं यहाँ पे मॉल्स कर दूं, इंटरनेट का हमें जो है ना वो थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा क्योंकि लाइट है नहीं इस तरफ, और जो मर्जी लिख दें, लाइट ब्लू लिख दें, तेज ब्लू लिख दें। अब ये देखिए मैंने मॉल लिखा, आप कोई पोस्ट बना रहे हैं किसी के लिए और आपको मॉल की तस्वीर चाहिए तो आप इधर से आके यहाँ से चूज कर सकते, आपको जो चाहिए इसके अंदर मिलेगा। ये देखें ये यहाँ पे हमने लगा दिया, और आप अगर कलर तेज है तो ट्रांसपेरेंसी उसकी थोड़ी सी कम कर दें ताकि वो पीछे माहौल भी नजर आए और आप इसके ऊपर राइटिंग भी कर सकें, जो आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जो शेप डालना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप यूज ना कर सके, ठीक है, तो आप कोई लगाइए, आप कोई ऐसा कीवर्ड जो आपको लगता है कि कैनवा के अंदर ना हो। हर चीज आपको मिलेगी, जिसको जितनी ग्रिप होगी एलिमेंट के ऊपर वो उतना अच्छा डिजाइनर बनेगा। आप मुझे कोई कीवर्ड बताएं, वो हम इसके अंदर सर्च करते हैं, देखते हैं कि वो कीवर्ड इसके अंदर है या नहीं। ट्रांसपेरेंसी बस आपको जितनी चाहिए है ताकि आपका टेक्स्ट नजर आए, ठीक है, उतनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, जरूरी नहीं है।
इंडिपेंडेंस डे कोई कह रहे हैं तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी इंडिपेंडेंस डे। ये देखें इंडिपेंडेंस डे आ गए, सारे मुल्कों के आ जाएंगे, पाकिस्तान के भी आ जाएंगे। अच्छा जी एक भाई कह रहे हैं दुबई के बारे में हम चेक कर लेते हैं। ये देखें दुबई आ गया, यूएई, जो आप लिखेंगे वो आ जाएंगे। ठीक है यहाँ पे आप फनी लिख दें तो आपको यहाँ पे फनी रिजल्ट जो है वो मैं ये देखा। आहा क्या खूबसूरत बाबा, ये मुझे बाबा बड़ा पसंद है, इसको उठा लेते हैं यार, क्या बात है सदके। देखिए इससे अब फनी क्या होगा, मैं तो इसको सेव करने लगा, इसको स्क्रीन पे लगाने लगा मुझे बाबा यार ये क्या बात है, कितना क्यूट बाबा ये, ये फनी आ गया। अच्छा फनी में आपको अगर वीडियो चाहिए फनी तो ये देखें उसी टॉपिक पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे इसके अंदर। देखें ये फनी छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप उनको अगर जब वीडियो एडिटिंग हम सीखेंगे ये इस टॉपिक पे मैं कंप्लीटली जो है ना वो बात करूंगा जी। मैरिज भाई कह रहे हैं तो हम यहाँ पे आके वेडिंग, एक बात याद रखें ये देखें ये चीजें आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगी। अब अच्छा मैं यहाँ इसको रख लेता हूँ और इस बाबा पे ही कोई कहते हैं जी, इसको मैं दरम्यान में ले आते हैं इधर। अच्छा इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं सबसे पीछे ले जाता हूँ। ठीक है इसके ऊपर अब टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे आके आप बाबा जी इसका आप कोई भी टेक्स्ट जो है ना अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है ये हमने बाबा जी सियालकोट बना दिया इसको। ठीक है और ये बाबा बड़ा खुश है। आप कोई भी तस्वीर है ना अगर आपके पास मोबाइल है या जो भी है उसको पहले क्लिक कर लेंगे, मोबाइल के अंदर ये थ्री डॉट है इस पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए डिटेक्ट इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड लिखा आ रहा होगा। ठीक है उसको आप करेंगे तो ये बाहर आ गई तस्वीर, डिटेक्ट इमेज पे करेंगे तो तस्वीर बाहर हो जाएगी। आप चाहते हैं बिल्कुल लग जाए तो उसी डॉट पे जाएंगे तो सेट इमेज एज बैकग्राउंड करेंगे तो आपको यहाँ से वो इमेज बिल्कुल सेट हो जाएगी। ठीक है अब कितनी बेहतरीन करके जो है ना वो सेट हो गई है और इसका हम यहाँ से चाहें तो साइज कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से। अब ये है बाबा, ये मैं चाहता हूँ थोड़ा सा धुंधला नजर आए तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे। अब ये क्योंकि अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट होके नजर आए। ठीक है ये देखें अब इसके ऊपर हम जितना टेक्स्ट चाहें लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ये बाबा जी है नहीं बाबा जी से आलकोट है, ये बाबा नहीं है, चले नाला कह रही है बाबा जी कर दें, हुक्म पूरा कर दें, अल्लाह की नेक बंदी है ये, कहीं हुक्म अधूली ना हो जाए हमसे। अच्छा जी इस तरह से हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं सिंपली। और कोई आप ये मैंने जिस तरह आपको शादी का बताया था, आप शादी है इस तरह की कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ये शादियों से मुतल्लिक है। अगर आप कोई फौतकी के बना रहे हैं कवर तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी कोई ऐसा आप जो है वो बना रहे हैं जिसमें आपने कोई थंबनेल बना रहे हैं जिसमें आपने किसी ऐसी चीज पे बात करनी है, देखिए कितनी बेहतरीन इसके अंदर वो है। आप स्पीड लिख दें जी, स्पीड मिल जाएगी आपको। ये देखें स्पीडें आ गई जनाब, ये देखें ये देखें इसको बैकग्राउंड पे सेट करें, आप ये सेट कर दें। ठीक है इस तरह से आप सेट करके उसके ऊपर अपना वो जो है ना वर्किंग जितनी भी है वो कर सकते हैं।
आप फूड करते हैं, फूड से मुतल्लिक आ जाएंगे। जो चीज आपका दिल करता है वो यहां से उठा के आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के तौर पे। अच्छा, इसमें एलिमेंट भी, आप कोई ऐसे आपको कड़छे बेले चाहिए जिसका आप कलर चेंज कर सके, कोई भी चीज बना रहे हैं, इंसिडेंट इंसिडेंट देखते हैं कोई कीवर्ड बनता है या नहीं बनता। ये लिखे, ये हादसा भी हो गया, ठीक है, ये आप सारी रिपोर्टें चिपोर्टें हैं वो डॉक्टर्स को लेके जा रही है, ये देखें ये हादसा आ गया है, जो मर्जी ढूंढ लो, हर चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। आज के बाद आपको हर डिजाइन बनाना आ जाएगा। ये हमारा जो टॉपिक होता है ना, ये आखिरी इसलिए होता है, इसके अंदर अब आप कुछ भी बना सकते हैं, आपको तरीका कार पता चल गया कौन सी चीज कहाँ से मुझे ढूंढनी है, उसकी एग्जैक्ट बैकग्राउंड, जिस तरह कल हम ढूंढ रहे थे ना वो डॉक्टर का कौन सा है, वो तो फीके फीके नजर आते थे, यहाँ पे आके एग्जैक्ट वही हम बैकग्राउंड जब यूज करेंगे तो हमारा डिजाइन जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत होता हुआ चला जाएगा। याद रखना है कि उससे रेलिवेंट कीवर्ड आपने डालना है, जैसे स्कूल हो गया, जैसे हमें कोई किड चाहिए, ठीक है, स्कूल किड्स, स्कूल किड्स, तो ये देखें स्कूल किड्स आ गए, हम इसका बैकग्राउंड को इधर से चेंज कर देते हैं जी, ये हम किसी स्कूल के लिए बना रहे हैं, ये देखें आप बेहतरीन किस्म का ये हमें एक बैकग्राउंड मिल गया, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखे हैं जी, दी एजो के टर स्कूल, इसका हम साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, इधर से इसको हम ले आते हैं जी नीचे। अब हमने इसका नाम इस तरह से रख दिया, इसका जो एग्जैक्ट कलर है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इनके बजाय। अब यहाँ पे हम स्कूल किड्स, ये तो स्कूल किड हो गया, आपको इसी से रिलेटेड कोई बच्चे चाहिए हो, नहीं अब तो लग रहा है आप क्यों नहीं अच्छा लग रहा, आपको उसका अलाइनमेंट आती हो, आपको उस पर सही लिखना आता हो तो आप जो है वो खूबसूरत लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्कूल किड्स की बजाय हम यहाँ पे कर देते हैं जी वेलकम टू स्कूल, तो हमें यहाँ पे अब ढेर सारी ये चीजें मिल गई। अब ये देखें हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, या ये ऐड कर देते हैं, ये खूबसूरत है, बैक टू स्कूल, जैसे गर्मियों की छुट्टियों के बाद जो है वो स्कूल ओपन हुआ है, तो आप इस तरह की कितनी चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत, ये ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं आप छोटे छोटे जो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ये देखें ये कितना खूबसूरत एलिमेंट है, ये भी आप कहीं यूज कर सकते हैं। तो आप कैनवा के जरिए इंतहाई बेहतरीन, अब ये तो आप उस पर रिसर्च करें कि एजुकेशन के लिए सैरफ फाउंड आते हैं या दूसरे आते हैं, ठीक है, सैंस सैरफ आते हैं, वो चेक करें, क्लॉथ का बनाएं, यहाँ पे आप लिखें जी क्लॉथ, यहाँ पे कपड़ों की लाइन लग जाएगी जनाब, ये देखें कितने सारे कपड़े आ गए हैं, ठीक है, बैकग्राउंड चाहिए तो वो आ जाएगा, यहाँ पे आप शूज लिखिए, ये बैकबोन है कैनवा की, ठीक है, ये देखें यहाँ पे शूज आ गए, जो दिल करता लिखे निकालें इसके अंदर से, फास्ट फूडों की लाइन लगी हुई है, जो दिल करता बना के खाएं, आज ना बर्गर तैयार है, चिप्से हैं, जो दिल करता कैनवा के अंदर आके आप इस्तेमाल करें, हाँ जी इस्लामिक जितना मर्जी मवाद ले लें आप इसके अंदर से, ये देखें बिस्मिल्लाह आपको इसके अंदर मिली है, ये आपको इसके अंदर कुरान शरीफ मिलेगा, रील्स मिलेंगी यहाँ पे, अब इस्लामिक में हमें बहुत ऐड कोई चीज नहीं, यहाँ पे चाहिए थी वो नहीं मिली, हम क्या कर देंगे इसको, यहाँ पे हम कर देंगे जी
अब ये देखिए मॉस्क में लिखा है तो यहाँ पे मसाजिद आना शुरू हो गई। आप यहाँ पे अगर कुरान लिख देंगे तो ये देखिए कुरान मजीद आ जाएगा, ग्राफिक्स आ गए, ये फोटोज आ गए। ठीक है, हमें रमजान करीम से मुतल्लिक कोई पोस्ट बनानी है तो आप इसके अंदर यहाँ से ढूंढ लेंगे तो हर चीज आपको मिल जाएगी। शॉप ब्रांड नेम नहीं मिलेंगे आपको, वो वैसे आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पे आके लिख देंगे आइकॉन्स तो आपको बहुत से आइकॉन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम के आइकॉन चाहिए, फेसबुक के चाहिए, जो आपको आइकॉन चाहिए वो मिल जाएगा आपके। यहाँ पे मैं कर दूं अगर फेसबुक आइकॉन तो आपको फेसबुक के आइकॉन मिल जाएंगे। अगर आप मैं लिख दूं यहाँ पे यूट्यूब आइकॉन, आपको यूट्यूब आइकॉन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, गूगल, तो आपको इस तरह से ये है कि आपके पास कैनवा प्रो होना चाहिए, चाहे वो फ्री वाला एक कैनवा प्रो क्यों ना हो। और स्पेलिंग आपके दुरुस्त होने चाहिए, स्पेलिंग दुरुस्त नहीं होंगे तो रोला पड़ जाएगा। इस तरह से आप जो है इसके अंदर से वो ढूंढ सकते हैं। रिलीजियस मटेरियल ढेर सारा मिल जाएगा आपको, मुस्लिम लिखे मुस्लिम आ जाएंगे यहाँ पे, आप मुस्लिम लिखें यहाँ पे मुस्लिम आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मुस्लिम घर लिखें, ये देखें ये हिजाब वाली हमारी बहनें आ गई हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मुस्लिम किड्स लिख देंगे तो ये देखें छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आ गए हैं, टोपियां शोपियां उन्होंने सर पे रखी हुई हैं। तो आप जो मर्जी निकालें यार इसके अंदर से। और पीटीआई, अच्छा ट्राई करते हैं, वैसे पीटीआई आती है इधर के वैसे जोड़ है पूरे। आहा क्या बात है, वाह वाह वाह, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक, देख लें कैनवा पीटीआई को भी जानता भी। आप पीपी भी भाई सही है, सही है, सही है। मेरा इम्तहान ले लें आप, पीपी पी पीपी का नहीं आना। वैसे इसको लिखते हैं पक, अजमाइश देखे कैसे करते हैं। आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान POPLE पीपल पार्टी, हमें तो आ रही है। नहीं जी, पीपल पार्टी को कैनवा नहीं जानता, पीटीआई को बहरहाल जानता है। अब ये नून लीग वाले कहते हैं हमारा नहीं लिखा, भाई मैं तो फंस गया हूं। नहीं भी नून लीग का भी नहीं है, वो ऐसे कीवर्ड नहीं जो जरूरत की चीजें। अब वो बंदा कह रहा रिहान अल्लाह वाला का नाम देखते हैं यार, ये देखें यार खुदा के बंदे क्यों आप मेरा और कैनवा का इम्तिहान ले रहे हैं। एक बंदा कहता है रेहान अल्लाह वाला का नाम, आपका नाम ना लिख दूं, किसने कहा रेहान अल्लाह वाला का नाम लिखें, मुझे आपका भी बताएं शायद वो भी जानता हो। शफकत खान का लिख के देखे, किसने जो पार्टी रखनी है जी रखे, हम तो है लबैक या रसूल अल्लाह वाले, हमारी तो पार्टी वही है, हम तो अल्लाह के और उसके रसूल के नाम पे दे देंगे। अच्छा तो वो बात जो चीज में समझाना चाह रहा था वो ये है जी, ट्रैवल लिख लें, ट्रैवल मिल जाएगा आपको, जितना मर्जी ट्रैवल करें। ये देखें क्योंकि वोट बहुत अहमियत हो, वोट की बड़ी अहमियत होती है भाई, इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे दे देंगे हम तो, आगे बंदा वरना फंस जाता है जाके। तो बात और तरफ चली गई है। ठीक है,
तो इसके अंदर जो चाहे आप ले सकते हैं, इसके ऊपर खूब अच्छे से रिसर्च करें, ठीक है। जहां समझ नहीं आती अब ये है कि जो आपका दिल करे अब आपने उसके मुताबिक जो है ना एक एक कल के कल के लिए असाइनमेंट बनानी है। एक नीच को पकड़ ले, जो एजुकेशन पे बनाना चाहे वो एजुकेशन से मुतालिक बनाए, जो मेडिकल से मुतालिक बनाना चाहता है वो मेडिकल से मुतालिक बनाए, जो दूसरी चीजों, इसी तरह से एक एक टॉपिक को पकड़ के उसके ऊपर ही आपने असाइनमेंट बना लिया, ठीक है। तो ये हमारी कल की असाइनमेंट है। अब के बाद आप आजाद हैं, ठीक है। आपको जो है अब कोई पाबंदी नहीं, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कल से जो है अल्लाह खैर करे हम डिजाइनिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये है कि जी ढेर सारे आते हैं, नायला मलिक की आवाज ही नहीं आ रही बेचारी को, उसने पता नहीं सेटिंग वगैरह सही नहीं की हुई। बाकी अब ग्रुप में हम डिस्कस करते हैं, उधर तशरीफ ले आए, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर हमने रिसर्च कैसे करनी है। आप इसके अंदर जो है ऑडियोज भी सर्च कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ऑडियोज सर्च कर सकते हैं, वीडियो सर्च कर सकते हैं, हर चीज आप इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। कैनवा प्रो के लिए मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा क्लास के अंदर, उसके जरिए आप कैनवा प्रो जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहा था सर कि आप बैकग्राउंड कलर के बारे में बताएंगे, क्या आपने कहा था कि आप बैकग्राउंड कलर के बारे में बताएंगे? मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको कोई ऐसा कलर है जो चाहिए, सपोज दैट येलो चाहिए आपको बैकग्राउंड के तौर पे, तो आप यहाँ पे येलो लिखेंगे और उसको चूज कर सकते हैं आप। अब ये देखिए इसके ट्रांसपेरेंसी मैंने कम की हुई है ना, ये देखें, यहाँ से आप अच्छे अच्छे बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। जो हम पहले चूज करते थे वो इस तरह होते हैं, इधर आते थे यहाँ पे आके जो है ना वो कलर चूज कर लेते थे, इस तरह ये है। ये देखें अब इस बैकग्राउंड में और इस बैकग्राउंड में कितना फर्क है, दोनों ही येलो। तो आप एलिमेंट के अंदर से आके अच्छा सा जो है ना, उर्दू तो आप मोबाइल के जरिए लिख सकते हैं, उर्दू के लिए अगर आपके पास फॉन्ट हो तो फिर ही आप लिख सकते हैं, वो हम किसी और क्लास के अंदर जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी अब जो है ना क्लास के बाद अब मुलाकात होती है, क्लास खत्म हो रही है इंशाल्लाह, फिर हम बाकी चीजें ग्रुप के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग आप असाइनमेंट बना के जो है ना वो शेयर, कैनवा प्रो का मैं लिंक जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा अभी इजाजत दीजिए, फिर हमारे लाल आपके